अबोहर पुलिस ने दूध का ड्रम छीनने के मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। ये लोग बाइक पर सवार होकर आए थे तथा स्थानीय निवासी के गोदाम से कर्मचारी से दूध का ड्रम छीनकर फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है तथा किसान यूनियन से लोगों से पूछताछ करने में जुट गई है। गोदाम के बाहर दूध का ड्रम पड़ा हुआ था, 5-6 युवक मोटरसाइकिल पे आए, धक्का मुक्की किए, ड्रम उठा के ले गए। उसके बाद हम दूध यूनियन के पास गए, किसान यूनियन के पास गए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फिर हम पुलिस के पास गए, कंप्लेंट की, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लड़कों को पहचाना। उनमें से एक आधा लड़के को आज पकड़ भी लिया है, बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और किसान यूनियन के लोग भी आए हैं, वो कहते हैं ये हमारे आदमी नहीं है, शरारती तत्व है, जो भी है जिन्होंने जो काम किया उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये दूध आपने कहाँ से मंगवाया था? ये दूध हमारा ये गांव पास में नोरा बना हुआ है, जहाँ से हमारा दूध आता है 40-50 किलो, उसका हम रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं। ये गांवों से कोई दूध नहीं आता हमारा, हमारा दूध मुसलमानों से और शहर में लोकल ही आता है। उन्होंने टारगेट ये है, मैं नहीं कह सकता किस लिए किया है, कैसे किया है, मेरे को इस बारे में कोई मालूम नहीं है। पहले 7 बजे वो दुकान पर आए हैं, मेरे को धमकी दे के गए हैं, उसके बाद गोदाम में जाकर उन्होंने ड्रम उठाया। कल एक शाम को वारदात हुई थी, किसी आदमी से दूध का कैन को जो चोरी करके ले गया, उससे संबंधी एक पर्चा दर्ज किया था हमने, 7-8 आदमियों के ऊपर है और अननोन है, अभी ट्रेस कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या हुआ, क्या मामला है, क्या सर? वो दूध का भरा हुआ कैन लेके जा रहा था मार्केट में और वहाँ पर कुछ लड़के आए और उससे छीन के लेके चोरी कर। क्या ये किसान थे? शरारती अफसर थे, किसान ऐसा काम पता करें। अच्छा, जो शरारती अफसर है उनके साथ सख्ती से लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, जो नाके वगैरह लगाए हैं उनको ब्रीफ किया जाता है कि ये आपका राइट है, ये करो, और अगर आप कोई ज़बरदस्ती या कोई ऐसा काम करोगे जो सिचुएशन को ख़राब करेगा, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उसके वो खुद जिम्मेवार होंगे। जागती लाइव के लिए अबोहर से अरविंदर तनेजा की रिपोर्ट।